हादसा हुआ है। मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर का नेम मिस्टर विनोद कुमार है, वो एक लॉयर हैं, और मेरी मदर का नेम मिसेस ज्योति साहू है, वो हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ है। मैं करंटली RBPS स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आज मैं KVC में सिलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से सोचता था कि कभी किसी क्विज में कॉम्पिटिशन्स में सिलेक्ट होऊंगा, तो आज बहुत सारे बच्चों मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिशन था, उसमें से मैं टॉप 5 में सिलेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। वैसे तो मैंने जितने भी मेरे माइंड में जितने टॉपिक्स आ जाते थे, मैं उसे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सर्च कर देता था, उसके डिटेल में हर चीज़ उसके बारे में फाइंड कर लेता था। वैसे तो मैंने ज़्यादा तैयारी अपनी ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन की, इंटरनेट के थ्रू, बट कुछ टीचर्स ने भी मेरी हेल्प की। अगर मैं यहाँ से इतने रुपए जीत के जाऊँगा तो सबसे पहले तो मैं, ये मेरी पहली अर्निंग होगी मेरी लाइफ की, तो मैं सबसे पहले ये वाले जो पैसे हैं मैं अपने पेरेंट्स को दे दूँगा। जो मेरे जूनियर्स हैं और जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारा करियर है वो हर फील्ड में है, सिर्फ स्टडी में नहीं, चाहे हम लोग स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं, और भी चीज़ों स्पोर्ट्स में और भी फील्ड्स हैं अलग अलग जहाँ पे आप लोग अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक ही मैसेज रहेगा कि आप लोग को हर चीज़ में अपने स्किल्स डेवलप करानी पड़ेंगी, हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। भाई इस सूचना के बाद स्वाभाविक है कि महसूस तो अच्छा हो रहा है, गर्व भी फील हो रहा है कि पूरे ज़िले के 350 बच्चों से ऊपर परीक्षा दी थी बच्चों ने, उसमें RBPS के 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। GK क्विज, इसकी तैयारी हम बच्चों को लगातार विद्यालय में करवाते हैं, और डेली असेंबली होती है विद्यालय में, जिसके माध्यम से हमारे प्रबंधक महोदय मिस्टर राकेश कुमार अग्रवाल डेली बच्चों को क्वेश्चन छाँट कर वाइट बोर्ड पर लिखते हैं, और उसके बाद बच्चे अपने पास इसको नोट डाउन करते हैं, और उनसे असेंबली में इन क्वेश्चनों को पूछा भी जाता है, ताकि बच्चे लगातार इसकी तैयारी करते रहें। इसका श्रेय पूरा प्रबंधक महोदय जी को जाता है। भाई जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और क्वालिफाई नहीं हो पाए, या जिन बच्चों को मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए संदेश ये है कि वो लगातार तैयारी करें, और आने वाले जो भी GK क्विज कॉम्पिटिशन हैं जहाँ पर भी होते हैं उसमें प्रतिभाग करेंगे, और KVC अमिताभ बच्चन के द्वारा जो कराया जा रहा है, अगर इसमें भी मौका लगता है तो RBPS के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।